मॉर्निंग स्टूडेंट बी एस सी पार्ट में इकोनॉमिज्म सुपर थर्ड और आज हम स्टॉक कर्व कर्व के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी वेक्टर फील्ड में सभी क्षेत्र में एक एक बंद पथ जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं और इस पूरे क्षेत्रफल मिनिमम से मिनिमम हो इस तरह से हम पूरे एरिया को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट देंगे। ये एक अल्पांश है का जो बाउंड्री सरफेस है बाउंड्री है उसको हम C1 से डिनोट कर रहे हैं, इसको C2 से, इसको C3 से, ऐसे। अब ये कर्व प्रमेय जो है इसका स्टेटमेंट ये है कि किसी भी सदिश का अगर हम इस बंद पथ C पर रेखा समाकलन अगर हम देखें मंद पथ की बंद पथ बनाया इससे पर तो किसी सदिश का इस बाउंड्री की परिसीमा पर अगर हम इसका रेखा समाकलन दें तो ये रेखा समाकलन उस सदिश को हम मान सकते हैं, मान लो ये सदिश है, उस सदिश के कर्ण के फर्स्ट क्षेत्रफल डॉट डीए सरफेस एस मान सकते हैं, ये हम वेक्टर को मान रहे हैं तो सरफेस एरिया हम एस मानते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोक की कर्ल प्रमेय। यानी कि किसी सदिश का रेखा समाकलन बंद पृष्ठ की परिसीमा पर उसके कर्ल के फर्स्ट समाकलन बराबर इस तरह से हम रेखा समाकल को पृष्ठ समाकल में और पृष्ठ समाकल को रेखा समाकल में इंटरचेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉक्स कर्व थ्योरम। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अनेक अल्पांशों में बांट देते हैं और मान लो कोई सदिश क्षेत्र है इसके अंदर कोई सी बंद पथ है और ये क्षेत्रफल कई बंद पथ छोटे छोटे पत्थरों द्वारा बना हुआ है और हम इसके अल्पांश की बाउंड्री पर रेखा समाकल अगर हम निकालें तो देखो C1 और C2 दो हम मानते हैं ये दो बंद पथ हैं। इधर अगर हम रेखा समाकल लेंगे तो C2 का रेखा समाकल जस्ट इसके अपोजिट आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम जब इसका लेंगे C1 और C3 का, यहाँ पर C1 का और C3 का तो रेखा समाकल है वो परस्पर विपरीत आएंगे। तो इस तरह से सारे जो इंटरनल जो घनिष्ठ कोमल जो दीवारें हैं उन सब पर रेखा समाकलों का योग विपरीत होने के कारण जीरो हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बाउंड्री वाली जो टर्म्स हैं वो सारी ऐड हो जाएगी, यानी कि ए डॉट डी एल इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए डॉट डी एल ओवर डी, यानी कि सभी अल्पांशों पर अगर हम सभी क्षेत्र का रेखा समाकलनों का योग करते जाए तो इंटरनली सारे कैंसिल हो जाएंगे और आउटर वाले को जो बराबर एड हो जाएगा। तो हम टोटल रेखा समाकल को कई अल्पांशों के रेखा समाकलनों के योग के बराबर हम इसको मान सकते हैं, ये हो गए इक्वेशन नंबर 1। लेकिन कर्ल की परिभाषा से हम ये जानते हैं कि कर्ल ऑफ ए डॉट एन वॉज लिमिट
dA tends to 0, dC, A dot dl on d. ये कर्ल की डेफिनेशन तो हमें पता है कि किसी पॉइंट पर अगर हमको कर्ल निकालना है तो पॉइंट के अक्रॉस हम बंद पथ लेंगे, उस पर हम रेखा समाकल निकालेंगे, रेखा समाकल में उसके एरिया को डिवाइड कर देंगे अपन, तो जो आएगा वो कर्ल होगा। लेकिन उसके साथ ध्यान रखने के लिए है वो कम से कम होना चाहिए, तो लिमिट लगी हुई है डी कम टू, तो इस तरह से रेखा समाकल और एरिया का जो रेशियो है वो कर्ल के बराबर होता है और एन जो है ये कर्ल की डायरेक्शन को चेंज करता है। तो इसको मैं अगर इधर भेजूँ तो ए डॉट डी एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कर्ल ऑफ टी डॉट डी इक्वेशन नंबर टू। टू से ए डॉट डी एल ओवर डी सी ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में अगर फिट करते हैं तो इक्वेशन आ जाएगी सी ए डॉट डी एल इक्वल्स टू समेशन ऑफ कर्ल ऑफ ए डॉट डी। अब हमने पहले से माना है कि dA tends to 0, यानी कि हम जो पूरे एरिया का जो अलग अलग अल्पांश हमें जो हम बांट रहे हैं वो अल्पांश मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, और इस कंडीशन से अगर हम अप्लाई करें तो समेशन को हम समाकलन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर आपका जो ये समेशन है तो कितना जाएगी आपकी ए डॉट डी एल तो समेशन इंटीग्रेशन में चेंज हो गया इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एरिया एस इसका कर्ल ऑफ ए का डॉट। तो इस तरह से थ्योरम जो है ये प्रूव होती है स्टॉक की कर्ल डॉट। फिर किसी भी सदिश का रेखा समाकल बंद पथ पर सदिश के कर्ल के पथ समाकल के बराबर होता है। लाइन इंटीग्रेशन या लाइन इंटीग्रल वेक्टर फील्ड ए अलोंग ए लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ एरिया इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड पार्ट इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर। अच्छा ए किसी भी डॉट ये अगर लिखते हैं तो उसको हम प्लस भी दे सकते हैं, तो किसी भी वेक्टर के कर्ल का पथ के सदिश के लाइन इंटीग्रेशन के बराबर होता है। हम लोग फॉर्मेट के अंदर फिर हमको बता सकते हैं।